और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और लखनऊ में बादल बरस रहे हैं और इसके बाद क्या हालात है आप देखिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर आज भी जमकर बारिश दर्ज की गई। लखनऊ में पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है, प्रयागराज में भी तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा यमुना के जलस्तर में आज भी वृद्धि दर्ज की गई है। प्रशासन ने पहले ही लोगों को घाटों और निचले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बाढ़ जो है, एक बार आया, हनुमान जी स्नान किए और फिर दोबारा बाढ़ आई, आज से फिर हट रहा है। पहले आया था, अभी थोड़ा कम हो गया है, फिर आया दोबारा बाढ़। संगम पूरा डूबा था, नाव चलती थी, नाव में कोई दिक्कत नहीं होता था। बाढ़ अभी जो है आता जाता रहता है, थोड़ा बाढ़ हुआ है, ज्यादा नहीं। वहीं पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश हो रही है। तस्वीरें अमृतसर की है, जहां पर आज कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई। बात अगर हैदराबाद की करें तो यहां पर मुसीबत की बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से तेज बारिश के बाद आज भी यहां पर बादल जमकर बरसे। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। कल हैदराबाद से बारिश की डरावनी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बाद नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी में पहाड़ी नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वहीं तेज बारिश के बाद राजौरी में कई जगहों पर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। कई जगह सड़कें धंस गई हैं, जिससे आवाजाही पर भी असर पड़ा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े, यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। बॉर्डर रोड संगठन की तरफ से रास्ते से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। बीच बीच में हो रही बारिश परेशानी बढ़ा रही है। रोड बहुत जगह से डैमेज हो गया, देखो आप, यहाँ से इतनी डैमेज हो गया और बहुत खतरा लोगों को। यहाँ से पेशेंट भी आते हैं, एक एक दो दो घंटा जाम रहता है। जब पसी आ जाती है तो एक घंटा जाम रहता है, पेशेंट को बहुत खतरा है। बाकी जो लिंक हैं, जैसे यहाँ से रिहान से नीचे डिमोट तक गई, उसकी भी खस्ता हालत है। मंदरगाला से परोड़ी गई, उस रोड की बहुत खस्ता हालत है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तरकाशी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स तेज उफान के बीच बह गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उत्तरकाशी में गंगा, भागीरथी और इंद्रावती गार्ड के संगम में तेज उफान है। उफान के बीच ये शख्स नदी में आगे बहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर बाद शख्स का संतुलन बिगड़ता और फिर नजरों से ओझल हो जाता है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल के अनुसार मंगलवार की शाम एक व्यक्ति के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस और SDRF व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। नदी में बहने वाले शख्स का नाम दलवीर गुसाई है, जिसकी उम्र 55 साल है। पुलिस का ये भी कहना है कि सुसाइड का मामला भी हो सकता है, क्योंकि उफान के बीच जिस तरह से दलवीर गुसाई नाम का एक शख्स नदी में आगे बढ़ता है, वो गौर करने वाली बात है, क्योंकि सामने ही हाईवे पर पुल है। अगर शख्स को नदी के दूसरे तरफ भी जाना था तो वो पुल से जाता। इतनी उफान के बीच कोई भी नदी पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहीं उत्तराखंड में ठिकुली बरसाती नाले में चार लोग कार समेत बह गए। स्थानीय लोगों ने इन कार सवारों की जान बचाई। ठिकुली बरसाती नाले में उफान, तेज रफ्तार सैलाब, पानी में तैरने लगी कार, 360 डिग्री घूम गई गाड़ी। ये CCTV फुटेज रामनगर नेशनल हाईवे के पास ठिकुली बरसाती नाले की है। देखिए इन तस्वीरों को। सड़क पर चलते चलते ये कार गहरे पानी के बीच रुक गई। शाम का वक्त था, इसलिए देखिए हेडलाइट भी जल रही थी। गाड़ी बंद होने के बाद देखिए किस तरह से पानी में तैरने लगी और आगे जाने के बजाय 360 डिग्री घूमकर पुल के नीचे से बह निकली। कार के बह निकलने के बाद ये शख्स देखिए बेतहाशा भागता है, क्योंकि कार में कई लोग सवार थे। शोर मचाया और फिर लोग जमा हुए, लेकिन तब तक कार काफी दूर निकल गई थी। इस कार में चार लोग सवार थे। गनीमत रही कि आसपास के रिजॉर्ट कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई। से पानी कम था, इससे पहले गाड़ी जा चुकी थी, वो आगे से जो है गाड़ी बैक हुई है। बैक होने के बाद वो गाड़ी पानी में आई है, जब आगा क्रॉस करने के बाद वो गाड़ी बीच पानी में घूम गई, जिस कारण हम लोग भी वहाँ पे खड़े हुए मौजूद देख रहे थे। पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, बिकॉज हम लोग जस्ट खड़े हुए थे। जैसी वो गाड़ी गई है उसी के पीछे से स्टैंड बैठे हैं।
और उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी है। कल हल्द्वानी में भी एक कार सैलाब का शिकार हो गई। देखिए कलेजा चीर देने वाली तस्वीर। कार बरसाती नाले के पानी के साथ सड़क के नीचे उतरी और देखिए किस तरह से पानी में तैरने लगी। तैरते हुई कार की हेडलाइट जल रही है। पानी में घुसने के बाद भी कार के आगे पीछे की दोनों लाइटें जल रही हैं। ये कार चालू अवस्था में है। आप सोच रहे होंगे कि कार चालू है तो फिर इसमें लोग भी सवार होंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें सवार लोगों के साथ क्या हुआ। इससे पहले आपको बता दें कि यह घटना हल्द्वानी की है, जहां फतेहपुर स्थित बावन डांट के पास बरसाती नाला उफान पर था, जिसमें ये कार बह गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क के दोनों छोर पर लोग खड़े हैं, जो कार के पानी में फंसने के बाद आगे नहीं आए और हादसे की तस्वीर को मोबाइल कैमरे में कैद किया। दरअसल सड़क पर बहते नाले के पानी का अंदाजा कार सवार नहीं लगा पाया और कार पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगी। इस दौरान कार छोड़कर सभी पानी में कूदकर भाग निकले और अपनी जान बचाई। इसके बाद कार पानी में बहती चली गई। इस हादसे का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे बरसाती नाले से खतरा बढ़ गया है।